नाइट्रोजन साइकिल. नाउ व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल? नाइट्रोजन साइकिल इज अ प्रोसेस, और यू कैन टेक से द साइकिल वेयर द नाइट्रोजन रिवॉल्व्स. नाइट्रोजन पूरा घूमता है किसके बीच में? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग एनवायरमेंट के बीच में, अलग अलग फॉर्म्स में. अब जब नाइट्रोजन साइकिल बच्चे देखते हैं, और आप भी देखते होंगे, तो बहुत डर जाते हैं. बट एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं. ये साइकिल बहुत बड़ा लगता है, लेकिन बहुत ही कॉमन चीजें हैं इसके अंदर. देख, सबसे पहले हम सबको पता है, सबसे ज्यादा एटमोसफेयर के अंदर नाइट्रोजन अवेलेबल है. तो एटमोसफेयर में नाइट्रोजन होता है फ्री फॉर्म में. उसी फ्री फॉर्म के नाइट्रोजन को राइजोबियम बैक्टीरिया या फिर लाइकेन, ये दो मेथड से क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं उस नाइट्रोजन के अंदर, और वो बन जाते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड के अंदर, दैट इज नाइट्रिफिकेशन. Here, the atmospheric nitrogen will be converted in nitrogenous compound by rhizobium bacteria or blue-green algae through, which is the conversion of nitrogen to nitrogenous compound, and with help of lightning होती है clouds के अंदर, उससे भी क्या हो जाता है, nitrogen जो free form में है वो nitrogenous compound के अंदर change हो जाता है. और उसके बाद अब क्या है, हो गया, क्या करना है? नहीं, वही nitrogen compound अब use होता है दो या तीन या बहुत सारे तरीकों से आप बोल सकते हैं. जैसे कि सबसे पहले होगा एब्जॉर्प्शन. अब एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट्स के थ्रू द सॉइल. सॉइल के अंदर जो बैक्टीरियाज है वो उस नाइट्रोजन कंपाउंड को चेंज कर देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड में, और वही नाइट्रोजनस कंपाउंड प्लांट एब्जॉर्ब करेगी. क्यों? बिकॉज फ्री नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं होता. तो अब एब्जॉर्प्शन हो गया. अब वही एब्जॉर्प्शन एनिमल और प्लांट दोनों यूज करते हैं अपना प्रोटीन बनाने के लिए. प्रोटीन बनाने के लिए क्यों यूज हो रहा है नाइट्रोजन? बिकॉज फॉर द प्रोटीन एवरी एनिमल एंड प्लांट नीड नाइट्रोजन. ओके, उसके बाद एनिमल खा रहे हैं प्लांट, तो उनको वैसे मिल जाता है वो नाइट्रोजन. ठीक है, ये हो गया प्रोटीन बनाने. अब क्या होगा, इनके अंदर भी तो एक्सक्रीशन होता है ना. एनिमल और प्लांट एक्सक्रीट करके नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकालेंगे, और वही नाइट्रोजन वेस्ट फिर से जो हमारा नाइट्रोजन कंपाउंड है सॉइल में आ जाएगा, और फिर से वो क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन हुआ जिसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड बने, डीनाइट्रिफिकेशन होगा उसका उल्टा, दैट अपोजिट ऑफ इट. हियर द नाइट्रोजनस कंपाउंड विल अगेन बी कन्वर्टेड इनटू फ्री नाइट्रोजन, एंड दैट नाइट्रोजन